हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर प्रश्नावली 4.3, पुरानी एनसीईआरटी में ये प्रश्नावली 4.4 हुआ करता था, उसे हम सीखेंगे। और ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर आधारित आपको आगे ए इनवर्स निकालने के लिए आएगा ही आएगा। अगर हमें उपसारणिक नहीं पता होंगे, हमें सेकंडज नहीं पता होंगे, तो हम ए इनवर्स नहीं ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। और आपको पता है बोर्ड एग्जाम में ए इनवर्स निकालने के लिए बड़े नंबर में एक प्रश्न हर साल आता है, जो कि है बड़ा आसान। तो सबसे पहले बच्चों, जो टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं वो है उपसारणिक और सेकंड। उपसारणिक को अंग्रेजी में कहते हैं माइनर एंड सेकंड को कहते हैं कोफैक्टर, ठीक है। ये परिभाषा लिखी हुई है, परिभाषा याद करने से कोई चक्कर नहीं है, चीज़ों को समझना है। और मैं एकदम सबसे आसान तरीका बताऊंगा, सबसे आसान तरीका, ठीक है। बाकी किताब में बाकी टीचर आपको दूसरे तरीके से समझाएंगे, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका समझाऊंगा। ये 2x2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है, आसानिक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3x3 वाला, तो 2 के लिए आसान पड़ता है, 3 के लिए थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है। तो पहले प्रश्न में हमें क्या बोले, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंडज ज्ञात कीजिए। हमें उपसारणिक भी निकालना है और सहखंडज भी निकालना है। अगर आपने उपसारणिक निकाल लिया तो सेकंडज तो चुटकी में निकल जाता है, ठीक। तो देखो, आपको पता ही है, अगर हम सारणिक ध्यान से देखें तो ये मेरा कौन सा अवयव है, पहले रो का पहला मेंबर, यह पहले रो का दूसरा मेंबर, यह दूसरे रो का पहला मेंबर और यह दूसरे रो का दूसरा मेंबर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, उपसारणिक निकालना है और क्या निकालना है, सेकंडज निकालना है। तो देखिए, उपसारणिक को हम कहते क्या है, माइनर कहते हैं। उपसारणिक को हम M से दिखाएंगे और सहखंडज को हम A से दिखाएंगे, ठीक है। ये अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है अवयव अवयव A11 का उपसारणिक, ठीक है। थोड़ा डिटेल में लिखवा रहे समझाने के लिए, ठीक है। A11 बोले तो 2, इस 2 का हम उपसारणिक निकाल रहे हैं और इसको हम दिखाएंगे M11 से, किसे दिखाएंगे, M11 से। तो हमें क्या करना है दोस्त, हमें पहला रो बोला है ना, तो पहला रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपाना है। 11 का मतलब क्या होता है, पहला रो पहला कॉलम, छुपा दिया। यहाँ से क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 दिखा, यहाँ 3 लगा दो। फिर नेक्स्ट आप लिखोगे यहाँ पर अवयव A12 का उपसारणिक, A12 का उपसारणिक, 12 क्या है, माइनस चार का हमें क्या निकालना, उपसारणिक। इसको लिखेंगे कैसे, A12, ठीक है। सो देखिए, ये क्या हो जाएगा, दूसरा रो छुपाना है, 12 मतलब पहला रो छुपाना है। देखो, पहले क्या होता है, रो होता है, फिर क्या होता है, कॉलम होता है। पहला रो छुपेगा, दूसरा कॉलम छुपेगा, क्या दिख रहा है, 0, तो ये आ जाएगा 0, ठीक। उसके बाद हमें क्या निकालना है, अवयव अवयव क्या आ जाएगा, अवयव 2-1 का उपसारणिक। थोड़ा डिटेल में करवा रहा हूँ पहला वाला, ठीक है। उसके बाद सिंपल लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाएगा अवयव A22 का उपसारणिक, ठीक। सो देखिए, यहाँ पे आ जाएगा M21 और यहाँ आ जाएगा M22। दूसरा, पहले रो होता है फिर कॉलम होता है, तो दूसरा रो छुपाएंगे, पहला कॉलम छुपाएंगे, क्या दिख रहा है, -4, वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर क्या है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो ये हमारे क्या निकल गए, ये हमारे माइनर, जिसे हम कहते हैं उपसारणिक, ये हमारे उपसारणिक निकल गए। अगर आपके उपसारणिक निकल जाते हैं दोस्त, तो आप क्या निकाल सकते हो, सहखंडज आराम से निकल सकते हो। अब लिखोगे अतः सहखंडज, क्या लिखोगे, अतः सहखंडज, अतः सह का खंडज, ठीक। सहखंडज हमें निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A11 A12, ठीक।
फिर आ जाएगा यहाँ A21 और यहाँ आ जाएगा A22। अब देखो आपके किताब में, रेफरेंस बुक में, और कई टीचर भी -1 की पावर ये वो बोलते रहते हैं। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मेरे पास सिंपल सा फंडा है और ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसके पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। क्योंकि इस साल भी बच्चे कि अब मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे 12th वालों को पढ़ाते हुए आज की डेट में 14 साल हो गए हैं। 14 साल से मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, स्कूल में पढ़ाया है, खुद भी पढ़ा है, तो पढ़ाते हुए 14 साल हो गए मुझे। कभी किसी बच्चे का शिकायत नहीं आया, कभी किसी का नंबर नहीं कटा है। तो ये कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। देखो अगर जोड़ने पर सम आता है तो आपको लगाना है प्लस, तो आपको क्या लगाना है प्लस। अगर जोड़ने पे विषम आता है तो लगा देना है माइनस सामने। जोड़ने पे विषम आया माइनस लगेगा, जोड़ने पे सम आ रहा है प्लस लगेगा, ये पहले ही लगा दो। M11 कितना था? जो M11 होता है वही A11 होता है। यहाँ 3 है, 3 आ जाएगा। यहाँ M12 0 है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। A21 यहाँ माइनस के जा रहे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के जा। और ये वाला क्या है? 2 है। तो ये हमारा सहखंडज भी आराम से निकल गया। उपसारणिक भी आपको निकाल के दिखाया, सहखंडज भी आपको निकाल के दिखाया। आ गया? देखो मैथ सीखने का बेस्ट तरीका क्या है, जब तक क्वेश्चन आप सीख रहे हो, सीखने के बाद एक बार दोबारा जब नहीं लगाओगे उस क्वेश्चन को खुद से, तो आपके दिमाग में नहीं आएगा। जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे, कॉपी में खुद नहीं चलाओगे पेन, तो आप सीखोगे नहीं दोस्त। ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लो। अगर एक प्रश्न देख रहे हो तो वो प्रश्न खुद से भी बनाना है, और उससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक और खुद से बनाना है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अब इसमें फटाफट लिख देते हैं। जैसे पहले हमें क्या निकालना है? उपसारणिक। हमें पहले क्या निकालना होता है? उपसारणिक। तो यहाँ लिख देते हैं उपसारणिक, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्त? माइनर कहते हैं। ठीक, तो पहला उपसारणिक क्या है? M11, फिर है आपका M12। ठीक, फिर आपका आ जाएगा M21 और M22। M का मतलब होता है माइनर। पहला रो पहला कॉलम छुपाएंगे तो क्या बचा? डी। यहाँ आ जाएगा डी। फिर पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा बी। फिर 21 दूसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे क्या बचा? सी। फिर 22 दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे क्या दिखा? ए। तो ये हमारे क्या निकल गए दोस्त? उपसारणिक निकल गए फट से। अब हमें क्या निकालना है? सहखंडज। सहखंडज को क्या बोलते हैं? एडजॉइंट। क्या बोला जाता है? एडजॉइंट। अब ये आ जाएगा, इसे लिखा जाता है A11 A12। ठीक है, और ये आ जाएगा A21। नहीं, एडजॉइंट नहीं बोलते, कोफैक्टर बोलते हैं अंग्रेजी में। एडजॉइंट तो निकालना सिखाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद आपको अगले प्रश्नावली में। इसे कहा जाता है? कोफैक्टर। ठीक है, सहखंडज को फैक्टर निकाल रहे हैं। अब देखिए ये A22 निकालना है हमें। मैंने अभी आपको बोला था कि जोड़ने पे अगर सम संख्या आती है तो प्लस लिखते हैं, और विषम आने पे माइनस, विषम आने पे माइनस, जोड़ने पे प्लस आने पे, जोड़ने पे सम आने पे प्लस लगता है और विषम आने पे माइनस लगता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डी, यहाँ आ जाएगा बी, यहाँ आ जाएगा सी, और यहाँ आ जाएगा ए। ये हमारे क्या निकल गए दोस्त? सहखंडज निकल गए। कहीं पे भी डाउट हो बच्चों, एक बार दोबारा जरूर देखें। ठीक है, चलिए अगले पार्ट में आ जाते हैं। 3x3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो यहां देखिए पहले लिखते हैं उपसारणिक। अब थोड़ा ज्यादा बड़ा है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर अवयव ज्यादा है। तो पहला निकालेंगे M11, फिर आ जाएगा M12, M13, थोड़ा ज्यादा जगह छोड़ना पड़ेगा। फिर आ जाएगा M21, M22, M23। फिर यहाँ आज लिखेंगे हम M31, M32, M33। ठीक, अब क्या है देखो दोस्त, यहाँ ध्यान से देखना। M11 का मतलब क्या होता है? पहला रो पहला कॉलम छुपाओ, पहला रो पहला कॉलम छुपाएंगे तो यहाँ बचेगा
1001 गुणा करोगे, इसकी गुणा इसके साथ होती है एक कम एक, और इसकी गुणा इसके साथ जीरो, तो ये आ जाएगा एक। ठीक, फिर M12 में पहला रो दूसरा कॉलम छुपाओगे, ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर 0001, तो जीरो एक कम जीरो माइनस जीरो गुणा जीरो, तो क्या आ गया जीरो। फिर M13 पहला रो तीसरा कॉलम 0100, 0100 इसकी गुणा इसके साथ जीरो माइनस की गुणा इसके साथ एक गुणा जीरो जीरो, तो ये भी आ गया जीरो। ठीक, M21 आ जाओ, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे 00 और 01, तो ये आ जाएगा जीरो एक कम जीरो और जीरो गुणा जीरो जीरो। फिर आ जाओ दूसरा रो दूसरा कॉलम 1001, 1001 एक कम एक माइनस जीरो एक कम जीरो, तो ये आ गया एक। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे 1000, 1 गुणा 0, 0, 0 गुणा 0, 0। ठीक, उसके बाद आ जाओ M31 तीसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे, तो क्या दिखेगा 0010, 0010, 0 1 0, 0 1 0, 0 आ गया। फिर क्या है देखो 32 तीसरा रो दूसरा कॉलम 1000, 1 गुणा 0, 0 गुणा 0, 0 आ गया। फिर क्या तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, तो 1001, 1001 एक कम एक, 0 कम 0, तो ये आ गया एक। तो देखो ये हमारे क्या आ गए, ये हमारे उपसारणिक आ गए, उपसारणिक आ गए। तो अब हमारे लिए सहखंडज निकालना बड़ा आसान है। ठीक, सहखंडज निकालना क्या है बड़ा आसान, तो यहाँ लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर आ जाएगा A31, A32, A33। ठीक, पहले से मैंने लिख लिया। अब देखो जोड़ने पे सम आ रहा है तो प्लस लगेगा और विषम आ रहा है तो माइनस। ठीक, प्लस माइनस, फिर आ जाएगा प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस। पहले से मैंने चिन्ह का जो झंझट है वो खत्म कर दिया। M11 कितना आया था एक, यह आया था जीरो, यह आया था जीरो, फिर यह आया था जीरो, यह आया था एक, यह आया था जीरो। ठीक, फिर यह आया था जीरो, ये जीरो और ये एक। जीरो का चिन्ह ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस। ठीक है, जहाँ जहाँ माइनस लिखा है उसको हटा सकते हो जीरो में, क्योंकि जीरो का चिन्ह ना तो माइनस होता है ना ही जीरो प्लस का होता है। जीरो क्या होती है बच्चों, कमेंट करके बताओ जरा। जीरो एक सम संख्या में गिना जाता है ना। जीरो क्या होती है, सम संख्या में गिनी जाती है जीरो को। जीरो जीरो वैसे कोई नंबर नहीं है, लेकिन जीरो को सम संख्या में इंक्लूड किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब इस तो देखिए पहले क्या निकालेंगे, उपसारणिक। उपसारणिक में ही टाइम लगता है, बाकी सेकंड तो फटाफट निकल जाता है। ठीक, पहला आ जाएगा M11, फिर M12, फिर M13। ठीक, उसके बाद हमें निकालना होगा M21, M22, M23। ठीक, नेक्स्ट यहाँ निकालेंगे M31, M32, M33। ठीक, चलिए आते हैं। सबसे पहले देखिए 1 1 का मतलब है पहला रो छुपाओगे, पहला कॉलम छुपाओगे। ठीक है, तो ये बचेगा 5 माइनस 1, 1, 2, इसकी गुणा इसके साथ 5 दूनी 10 माइनस 1 कम 1। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 11। पहला रो पहला कॉलम, क्योंकि ये रो बताता है और ये क्या बताता है, कॉलम बताता है,
पहला वाला रो बताता है और दूसरा वाला कॉलम को बताता है, ये आप जानते हो। फिर क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाओगे, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 0, 2, 3 दूनी 6, 1 गुणा 0 0, तो ये आ जाएगा 6। फिर 1 3, पहला रो तीसरा कॉलम, 3 5 0 1, 3 5 0 1, तो ये हो जाएगा 3 1 3, 5 गुणा 0 0, तो ये आ जाएगा 3। ठीक, फिर 2 1, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो छुपाओ पहला कॉलम छुपाओगे, 0 4 1 2, 0 4 1 2, 0 गुणा 2 0, 4 1 4, तो ये आ गया -4। ठीक, 2 2 है तो दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 1 4 0 2, 1 गुणा 2 2, 4 गुणा 0 0, ये 2 आ गया। फिर क्या, दूसरा रो तीसरा कॉलम, 1 0 0 1, 1 1 1, 0 1 गुणा 0 0, ये आ गया 1। फिर आ जाइए तीसरा रो पहला कॉलम छुपा दोगे, तीसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे, 0 4 5 -1, 0 4 5 -1, तो 0 गुणा कुछ भी हो, 0 होता है, 4 5 20, तो ये आ गया -20। फिर क्या है, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 1 4 3 -1, 1 4 3 -1, 1 1 -1, 4 3 12, तो ये आ जाएगा -13। तीसरा रो तीसरा कॉलम, 1 0 3 5, 1 5 5, 0 गुणा 3 0, तो ये आ गया 5। तो ये हमारे क्या निकल गए दोस्त, ये हमारे क्या निकल गए, उपसारणिक निकल गए। कहीं पर भी डाउट हो एक बार दोबारा देखोगे, एक बार समझ गए, एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन खुद से बनाओ, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब तक तुम खुद नहीं बनाओगे ना दोस्त, एक क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एक जैसे ही बन जाएगा तुम बोले अरे यार इतना आसान है, हो गया। और है बड़ा आसान, लेकिन आसान तभी लगेगा जब आप खुद बनाओगे। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड निकालना है, सेकंड को फैक्टर कहते हैं अंग्रेजी में, सेकंडज को एडजॉइंट कहते हैं, जो कि अब अगले प्रश्नावली में सीखोगे। हमें क्या निकालना है, a11 a12 a13, फिर a21 a22 a23, फिर a31 a32 a33। ठीक, फिर आप जानते हो, क्या जानते हो, कि सम संख्या होने पे प्लस लगता है और विषम होने पे, जोड़ने पे, विषम होने पे नेगेटिव। ठीक है, चिन्ह हमने पहले से लगा लिया, अब हम मान रखेंगे ये है 11, फिर 6, फिर है 3, -4, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये 2 और ये 1, -20, फिर है -13 और फिर है 5। ठीक, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के 4 और ये हो जाएगा -20, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के 13। तो ये हमें हमारा सेकंड आराम से मिल जाएगा। सेकंड अगर मिल जाता है ना, तो सेकंडज एडजॉइंट जो निकाला जाता है वो बहुत ही आसान हो जाता है। लगे हाथ में क्या करता हूँ ना, सेकंडज भी थोड़ा बता देता हूँ ताकि आप यहीं पर समझ जाओ, क्योंकि सेकंडज की जरूरत आपको अगले प्रश्नावली पड़ेगी। और सेकंडज का भी देखो, जो किताब में जो नियम है, जो रेफरेंस बुक में जो नियम है, जो बाकी टीचर पढ़ाते हैं वो थोड़ा टफ तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे पास एकदम सिंपल विधि है और इसके कोई नंबर नहीं कटेंगे, पूरा प्रॉपर मेथड है। सेकंडज, सेकंडज निकालना होता है क्योंकि सेकंडज हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एडजॉइंट, क्योंकि ए इनवर्स का जो सूत्र होता है ना वो होता है एडजॉइंट ए बट सारणी के। ठीक है, ये सूत्र होता है किसका, ए इनवर्स निकालने के लिए।
और ए इनवर्स निकालने के लिए हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, वो जैसे ये हमारे पास मान लो कि ये हमारा सारणिक ए था, ये मैट्रिक्स था, इसका हमें सारणिक निकाला और इसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो ये जो हमने ए वन, ये जो पहला वाला है ना, ये पहले, ये कहाँ आता है, पहले रो, पहले कॉलम में आता है, ये कहाँ आता है, पहले कॉलम में आता है। वैसे देखा जाए तो ये क्या है, ए वन वन है, ए वन टू है और ए वन थ्री। मैंने ऐसे नहीं लिखा है किसी प्रश्न में, मैंने ऐसे लिखा है, इसका कारण है, मैंने आपको ऐसा हैबिट में इसलिए डाला क्योंकि इसकी मदद से आप क्या निकालोगे, एडजॉइंट निकालोगे। तो ये पहले, पहले किस में आ जाता है, पहले कॉलम में आ जाता है, ये वाला दूसरे कॉलम में आ जाते हैं और ये वाला तीसरे कॉलम में आ जाता है। ये आ गया आपके एडजॉइंट। बाकी अगर किताब में जाओगे तो इन्होंने इसको ऐसे लिखा है, पहले ऐसे रखना है फिर उसका परिवर्तावयव निकालना है, तो उतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में, ठीक है, और कंफ्यूजन भी ज्यादा रहती है। अभी तो आप चौथे चैप्टर में हो, जब पढ़ते हुए आगे जाओगे तो इतने सारे फॉर्मूले, इतने सारे सूत्र आ जाएंगे। हमारा दिमाग है भाई, हम इंसान है, हम कंप्यूटर तो है नहीं कि हमारा सब कुछ फिट रहेगा, तो कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई करके बतानी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। मैथ्स में कॉन्सेप्ट तो ज़रूरी है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हमारे लिए मैटर करती हैं, जिससे कैलकुलेशन आसान हो पाए, यह है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम एडजॉइंट ऐसे निकालते हैं चुटकियों में, तो इससे आपका ढेर सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अच्छा प्रश्न है, ये एक नंबर या फिर दो नंबर में आ सकते हैं एग्जाम में, बड़े नंबर में भी आ सकते हैं। कह रहे दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति कौन है, ये है, नहीं नहीं पंक्ति बोले तो रो हुआ ना, हिंदी में कंफ्यूज हो जाता हूँ यार मैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं। देखो एक तो रो होता है और एक होता है कॉलम, रो, रो को पंक्ति बोलते हैं, हाँ पंक्ति, और कॉलम को हिंदी में कहा जाता है आई थिंक स्तंभ, हाँ स्तंभ कहते हैं, ठीक है। तो दूसरी पंक्ति बोला है प्रश्न में, क्या बोला, दूसरी पंक्ति बोला है ना, तो दूसरी पंक्ति हमारी यह है, यह है दूसरी पंक्ति। कह रहे दूसरी पंक्ति के अवयव के सखंडों का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, सखंडों का प्रयोग करके इस सारणिक का हमें मान बताना है। सारणिक का मान हम प्रसार करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसने बोल दिया है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करना है, तो सारणिक का मान क्या होगा। तो देखिए सारणिक का मान क्या हो जाता है, दूसरी पंक्ति बोला है तो दूसरी पंक्ति से भी हो सकता, तीसरी पंक्ति बोलेगा तीसरी पंक्ति से भी कर सकते हैं, सिंपल सा नियम है। देखो आपको कुछ भी रटना नहीं है दोस्त, दूसरी पंक्ति बोला है ये टू ए टू वन है, ये ए टू टू है और ये ए टू थ्री है, मतलब दूसरे रो का पहला मेंबर, यह है दूसरे रो का दूसरा मेंबर और यह दूसरे रो का तीसरा मेंबर। तो इसका सूत्र क्या होता है, देखो दोस्त ये होता है ए टू वन, यहाँ आ जाएगा ए टू वन प्लस ए टू टू, यहाँ आ जाएगा ए टू टू, ए थ्री थ्री और यहाँ आ जाएगा ए थ्री थ्री, ठीक। तो वैसे तो आपको पता ही चल गया, ये तो आपको प्रश्न में फट से दिख गया, यह है ए टू वन क्या है दो है, ए टू टू क्या है जीरो है, ए थ्री थ्री और एक सेकेंड ए टू थ्री होगा ना, ए टू थ्री, ए टू थ्री, ठीक है दोस्त, हाँ ए टू थ्री क्या है मेरा एक है। देखो नजर हटी दुर्घटना घटी, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक प्लस का माइनस होगा, एक आप कैलकुलेशन करोगे ना जब आप फ्लो फ्लो में लगेगा कि मैं सब सही कर रहा हूँ, तो इसीलिए कैलकुलेशन करते वक्त एक बार रीचेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो देखो यहाँ हमारे साथ अभी दुर्घटना घटने वाली थी, यहाँ आपने फ्लो फ्लो में टू टू के बाद थ्री थ्री लिख दिया था, तो टू टू के बाद क्या आएगा टू थ्री आएगा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, गलती इंसान से ही होती है। अब हमें क्या करना है, देखो भैया हमें ये नहीं पता ये क्या है, सखंड है, इनको निकालना होगा, इनको निकालना होगा, और मैं आपको सेकंड निकालना सिखा रहा हूँ, फट से देखो ए टू वन फिर क्या है ए टू टू और फिर क्या है ए टू थ्री है। सेकंड मैंने आपको बोला है कि अगर जोड़ने पर विषम आता है तो माइनस लगता है, जोड़ने पर प्लस आता है तो, और जोड़ने पर सम आता है तो प्लस लगता है, ठीक, विषम के लिए नेगेटिव लगता है।
2-2-1 पे आ जाओ, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे, ऊपर से 3 बचा 8 बचा 2 बचा 3 बचा, इसकी गुणा इसके साथ 3 3 9 8 2 16 कितना आ जाएगा दोस्त, 9 में से 16 घटाएंगे माइनस के 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ बाहर माइनस का 7 माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 7। 8 2 2 पे आ जाओ, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, तो यहाँ से 5 बचेगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम 5 5 8 1 3 बचेगा, 5 3 15 8 1 8, तो ये कितना आ जाएगा, 7। अब देखो दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, तो 5 3 1 2 बचेगा, देखो दूसरा रो और तीसरा कॉलम छुपाओगे, 5 3 1 2 बचेगा, 5 2 10 3 1 3, तो ये आ जाएगा माइनस के 7। अब सारे मान उठाकर यहाँ रख दो, 8 2 1 का मान कितना है, 2, और ये 8 2 1 का मान है प्लस के 7, 8 2 2 का मान है 0 और इसका मान है प्लस के 7, ठीक है। उसके बाद 8 2 3 का मान है 1 और 8 2 3 का मान है माइनस के 7, ठीक है। 7 2 14 + 0 7 1 7, 14 में 7 घटाएंगे 7 आ जाएगा। अगर इस प्रश्नावली में, इस प्रश्न में ये बोल देता कि भैया दूसरी पंक्ति नहीं, मान लेते हैं कि प्रथम स्तंभ बोल देता, उसके अनुरूप निकालो, तो प्रथम स्तंभ कहाँ है मेरा दोस्त, यह है प्रथम स्तंभ, तो सूत्र क्या बनता, ये वाला पद क्या है, ये वाला पद है A11, ये वाला पद क्या है A21, ये वाला पद क्या है A31, तो सारणिक का जो सूत्र बनता वो बनता A11, ठीक, फिर बनता A21, तो यहाँ पे भी आ जाता है A21, यहाँ है A31, तो यहाँ आ जाता है A31, और इसको हम हल करते तो हमें हमारा आंसर मिल जाता, ठीक है। जैसे कई बच्चे सोच रहे हैं सर ये निकालना बड़ा आसान है, A11 का मतलब क्या है, A11 अगर निकालना है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, सम आ रहा है तो प्लस लगेगा, 11 का मतलब है पहला रो छुपाओ और पहला कॉलम छुपाओ, क्या बचा 0 1 2 3, इसको हल कर लेंगे A11 आ जाएगा। A21 निकालना है, A21 निकालना, जोड़ने पे विषम आ रहा है तो नेगेटिव लग जाएगा, फिर क्या होगा, 2, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाना है, तो यहाँ से बचा 3 8 और यहाँ से बचा 2 3 2 और 3, इसको हल कर लोगे 2 1 आ जाएगा, ऐसे सारे मान निकाल के रख दोगे, तो जो बोलेगा जिस पंक्ति बोलेगा जिस रो के हिसाब से बोलेगा उस हिसाब से हम इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इस सारणिक का हमें मान ज्ञात करना है। तीसरा स्तंभ कहाँ है, यह है आपका तीसरा स्तंभ, तो तीसरे स्तंभ में हमें ये पूरा लेना पड़ेगा, तो ये वाला क्या है A13, ये वाला क्या है 2 3, दूसरे रो का तीसरा मेंबर, और ये क्या है तीसरे रो का तीसरा मेंबर, ठीक है। तो प्रश्न में सारणिक का मान क्या हो जाएगा, अतः सारणिक क्या हो जाएगा A13, तो यहाँ आ जाएगा A13 प्लस A23, तो गुणे में आ जाएगा A23, जो यहाँ पे होगा ना वही चीज़ यहाँ पे होगी, ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या है A33, तो यहाँ आ जाएगा A33, तो हमें ये वाला और ये वाला मान निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला मान निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं हम, चूंकि A13, फिर हमें क्या निकालना है A23, और फिर हमें निकालना है A33, जोड़ने पे सम आ रहा है यानी कि प्लस, जोड़ने पे विषम आ रहा है यानी कि माइनस, सम आ रहा है यानी कि प्लस, ठीक है। पहला रो तीसरा कॉलम, देखो पहला रो छुपेगा तीसरा कॉलम छुपेगा, तो यहाँ 1y1z
तो यह आ जाएगा जेड एकम जेड, वाई एकम वाई। ठीक, फिर आ जाओ टू थ्री, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, वन एक्स वन जेड, वन एक्स वन जेड, जेड एकम जेड माइनस एक्स एकम एक्स। तो माइनस से गुणा करोगे तो यह आ जाएगा, माइनस से गुणा करोगे प्लस का एक्स माइनस का जेड हो जाएगा। फिर देखो क्या, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाओगे, वन एक्स वन वाई, वन एक्स वन वाई, तो वाई एकम वाई और एक्स एकम एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सभी मान को उठाकर, इन सभी मानों को उठाकर समीकरण एक में रख देंगे, अतः समीकरण एक से, अतः समीकरण एक से। तो देखो दोस्त, ए वन थ्री, ए वन थ्री का मान क्या है, वाई जेड, वाई जेड। फिर क्या है हमारा ए वन थ्री, ए वन थ्री क्या है, जेड माइनस के वाई। ठीक, फिर आपका है ए टू थ्री, ए टू थ्री क्या है, जेड एक्स, जेड एक्स। और फिर ए टू थ्री क्या है मेरा, एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। ठीक, उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद है हमारा ए थ्री थ्री, ए थ्री थ्री क्या है, एक्स वाई। और ए थ्री थ्री क्या है हमारे पास, ए थ्री थ्री हमारे पास है वाई माइनस एक्स। क्या हो गया भाई, ठीक, अब इसको हल करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, वाई जेड से अंदर गुणा करेंगे, वाई जेड गुणा जेड जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा जेड वाई स्क्वायर। फिर जेड एक्स अंदर गुणा करेंगे, जेड एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर। फिर अंदर गुणा करेंगे, एक्स वाई स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको साथ में रखेंगे या फिर यहीं पर छोड़ दो, यहीं पर छोड़ दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अगर किसी प्रश्न में कई बच्चे बोलेंगे सर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा होगा एनसीईआरटी से, मैं सच बोल रहा हूँ मैच नहीं कर रहा होगा, यहाँ मैंने यहीं तक छोड़ दिया। लेकिन अगर आप एग्जाम में यहाँ तक छोड़ोगे तो नंबर पूरे मिलेंगे आपको। इस प्रश्न में ये नहीं बोला था कि प्रूफ करके दिखाओ ये आएगा आंसर, बोला है कहीं पर, नहीं बोला है। अगर प्रूफ करने के लिए बोलता है तो हमें तब तक सॉल्व करना होता है जब तक कि वही आंसर ना आ जाए, और यही हमारा आंसर आ चुका है। हमें कैलकुलेशन करने के लिए बोला था, यहाँ पर छोड़ दिया है, पूरा नंबर मिलेगा। कोई आप कोई माई कलाल आपका वन पॉइंट में भी नंबर नहीं काट सकता, पॉइंट में भी, क्योंकि पूरा आंसर है। अगर आप सोचोगे सर ये आंसर एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा है, तो जब आप एग्जाम देने बैठोगे दोस्त, तो आपके सामने उत्तर पुस्तिका नहीं होगी, जो आप अपना आंसर पीछे मुड़ मुड़ के ऐसे देखोगे भाई सही आया कि नहीं, सही आया कि नहीं, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। आपको खुद पर भी एक विश्वास होना चाहिए कि मैंने सारा कैलकुलेशन सही किया है, मैंने सारे मान रखे हैं, कैलकुलेशन सही है, सही है। उन प्रश्नों में हमें पूरा तब तक हल करना होता है जब तक कि हमें पूरा आंसर ना मिल जाए। किन प्रश्नों में, प्रूफ दैट प्रश्नों में, सिद्ध कीजिए वाले प्रश्नों में, और सिद्ध कीजिए वाले प्रश्नों का आंसर तो और आसान होता है, क्योंकि हमें हमारा उत्तर दिख रहा होता है कि क्या लाना है, उसे तो मैं और आसान बोलता हूँ। तो ये यहीं पर तक छोड़ देंगे, पूरा नंबर मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, एम सी क्यू का प्रश्न है, बहुत ही शानदार है। कह रहे हैं ये सारणिक है आपके, ए आई जे का सेकंड ए आई जे हो तो इस ये डेल्टा का, ये जो त्रिभुज बना है इसका मतलब होता है सारणिक का मान क्या होगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था जो यहाँ होता है वही यहाँ होना चाहिए, ए वन वन है यहाँ ए थ्री वन है, ये नहीं होगा। फिर आ जाओ यहाँ पर ए वन वन है यहाँ ए वन वन है, सही है, यहाँ वन टू है यहाँ टू वन है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आ जाओ यहाँ टू वन है यहाँ वन वन है, तो ये भी नहीं होगा, तीन गलत हो गए, तो चौथा सही हो जाएगा। अब सही है तो क्यों सही है, देखो यहाँ वन वन है यहाँ भी वन वन है, यहाँ टू वन है यहाँ भी टू वन है, यहाँ थ्री वन है यहाँ भी थ्री वन है, सही है। तो इस तरीके से हमने ये प्रश्नावली आराम से सॉल्व कर ली है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। एक उदाहरण मैंने नहीं कराया था, अब उस उदाहरण को भी मैं करा देता हूँ, क्योंकि है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक नंबर में एग्जाम में आ सकता है।
ठीक है, ये वाला उदाहरण इसको भी हम कर लेते हैं, सीख लेते हैं और उसके बाद हमारा सारा चीज बन जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोले, अवयव छह का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। अवयव छह कहाँ है दोस्त, यह है अवयव छह का। तो अवयव छह बोले तो ये दूसरे रो का तीसरा मेंबर है, ये दूसरे रो का तीसरा मेंबर है काटा। तो छह का उपसारणिक बोला है आपसे, छह का उपसारणिक, छह कहाँ है दूसरे रो का तीसरा मेंबर है, दूसरा रो कटेगा तीसरा कॉलम कटेगा, तो क्या बचा 1 2 और यहाँ से बचा 7 8। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 × 1 = 8, 7 × 2 = 14, कितना हो जाएगा माइनस के 6 आ जाएगा, उपसारणिक 6 आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन का सहखंडज पूछ देता कि भैया सहखंड क्या होगा इसी का A 2 3 का, तो क्या होता, जोड़ने पे विषम आया तो माइनस लग जाता और फिर ये आ जाता है मान, माइनस माइनस प्लस का 6 आता। ठीक है, हो गया, सब कुछ हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। हर प्रकार का प्रश्न हमने सीख लिया है, बाकी मैंने पूरा पढ़ा रखा है, नई NCERT भी पुरानी NCERT भी, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।